ज्ञान वापी मस्जिद का फैसला भले से सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में कर दे, लेकिन ये हिंदुत्व की भीड़, ये हराम खोर नजायज सुअर सुअरों की जो भीड़ है, ये लोग लाठी डंडा लेकर, अबे ओ सुअर की औलाद, सुअर की चर्बी। और एक बात और बता दूं, अपने बाप असदुद्दीन ओवैसी को भी बता देना, आगे इस पॉलिटिकल टॉक मंच पर आकर के मुझसे डिबेट करे। अबे ओ सुअर की औलाद, सुअर की चर्बी, जो तुम लोग ये मुंह से बदबू निकालते हो ना, उस बदबू को बंद करो। तुम लोगों की अंतर्राष्ट्रीय पे हैसियत क्या है? शाहरुख खान जब अमेरिका जाता है, इतना बड़ा सुपरस्टार भारत का, वहाँ जाकर के चेकिंग होने लगती कि कहीं बम वम तो नहीं लाया है, ड्रग्स व्रग्स नहीं लाया है। अरे तुम लोगों की खान गेम की जितनी जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को जो धूमिल हुई, उसको सुधारो। क्यों मुँह से बदबू निकालने में लगे हो? क्यों अपने आप को बर्बाद करने में तुले हुए हो? भारत में लगभग 50-60 हज़ार मस्जिदें हैं, कि लोग कितने मस्जिदों में तुम लोगों ने फाउंटेन लगवाया है, कितने मस्जिदों में तुम लोगों ने फवारा लगवाया है? जरा तुम हमको ये बताओ, जो ये बदबू निकाल रहे हो, और वो जो 26 आयतें हैं ना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन आयतों को पढ़ना बंद करो, जो कि मानवता विरोधी हैं। तुम लोग उसको तो बंद नहीं करोगे, उन्हीं को पढ़ोगे? काफिरों को काटने की बात करोगे, काफिरों को मारने की बात करोगे? अब तुम लोगों से कौन मुंह लगाए? तुम लोग खुद ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तुम लोगों की छवि बर्बाद हो चुकी है। तुम लोगों से दिल कौन लगाए, जुबान कौन लगाए? तुम लोग उसी लायक हो जिस लायक अमेरिका करता है, चाइना करता है। तुम लोग वहाँ तो कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि वहाँ तो कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई धर्मनिरपेक्ष का कार्य नहीं है। तुम लोग वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चाइना तुम लोगों को बहुत मार मारता है, गांड पे डंडे मार देता है, वहाँ पर वहाँ की मस्जिदों को तोड़ देता है, लेकिन तुम लोग वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते। जहाँ पर जितनी आज़ादी मिलेगी ना, जितनी तुम लोगों की खुली आज़ादी मिलेगी, जितनी धर्मनिरपेक्षता की बातें होंगी, भारत के संविधान के विषय में बातें होगी, उतनी ही तुम लोग अपने आप को ऊँचा दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि पहले तुम लोग सुधारो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और एक बात और बता दूँ, अपने बाप असदुद्दीन ओवैसी को भी बता देना, आगे इस पॉलिटिकल टॉक मंच पर आकर के मुझसे डिबेट करे। और तू ही आकर के बैठ जा कभी डिबेट कर, तो मैं जानूँ अपनी मर्दानगी का, अपनी शब्दावली का प्रयोग करके मुझसे डिबेट करके दिखा।